पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मोने मोरकल रिजाइन कर गए हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, टीम आज ही पहुंचना शुरू हुई है लाहौर और कराची, और पहली रेजिग्नेशन जो है वर्ल्ड कप के फौरन बाद वो आ चुकी है, वो है मोने मोरकल की, पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग कोच जिन पे बहुत सी तनकीद की जा रही थी हर तरफ से, मीडिया से, एक्सपर्ट से, फॉरन प्लेयर्स से और इवन एक्स प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच क्या कह रहे हैं वर्ल्ड कप में, कैसे हारिस राउत ने 530 रन दे दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज्यादा रन सीड करने का किसी भी बॉलर के लिए एक वर्ल्ड कप एडिशन में, कैसे उन्होंने एक मैच में 85 दिया, कैसे शाहीन अफरीदी ने 90 दिया एक मैच में, कैसे शाहीन अफरीदी 480 रन खा गए, कैसे हमारे बॉलर्स की एवरेजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और हमारे बॉलर्स डिफरेंट और ऑर्डिनरी नजर आ रहे हैं सिराज बुमराह शामी के सामने। तो देख ले सामने आ गया नतीजा, मोने मोरकल पाकिस्तान के बॉलिंग कोच जो है वो रिजाइन हो गए, फास्ट बॉलिंग कोच, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अपना। अब ये जाएंगे साउथ अफ्रीका में, इनकी लीग क्रिकेट शुरू हो रही है, वहां से कोचिंग करेंगे साउथ अफ्रीका टी20 लीग में डरबन की, जिसकी मर्जी पहले भी करते आए हैं, बल्कि इनके पास तो एक्सपीरियंस भी था आईपीएल का, लखनऊ सुपर जायंट्स के ये बॉलिंग कोच थे पाकिस्तान टीम ज्वाइन करने से पहले, लखनऊ सुपर जायंट्स की ये जो है वो बॉलिंग कोचिंग कर रहे थे वहां पर। अब जो है पाकिस्तान का नया बॉलिंग कोच पीसीबी अनाउंस करेगा, जल्द अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि अगला जो है ना वो बड़ा असाइनमेंट वो आ रहा है पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और इन ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट सीरीज ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें पाकिस्तान 1995 से एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में, तो ये 28 साल का जो एक सूखा पड़ा हुआ है इसको भी अब पाकिस्तान ने जिंक्स को भी ब्रेक करना है। तो कौन सा होगा फास्ट बॉलिंग कोच, आप भी कमेंट करके बताएं। मुझे तो लग रहा है उमर गुल के साथ जो है ये जाएंगे, मेरी पर्सनल एक जो है वो वैसे भी एफिलिएशन उमर गुल के साथ है, क्योंकि लेजेंडरी फास्ट बॉलर रहे हैं और अफगानिस्तान सीरीज में भी उमर गुल पाकिस्तान टीम के साथ थे जब मोने मोरकल ने ज्वाइन नहीं किया था आईपीएल की वजह से, तो उमर गुल वहां पर भी मौजूद थे, लेकिन उमर गुल को टाइम नहीं दिया गया मेरे ख्याल से। तो उमर गुल लेजेंड है, हमारे लोकल फास्ट बॉलिंग लेजेंड है, जिनको चांस मिलना चाहिए अगर वो कोचिंग कोर्सेज भी करते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, प्लेयर्स उनके साथ कंफर्टेबल हैं, प्लेयर्स उनकी लैंग्वेज समझते हैं, प्लेयर्स को मसला नहीं है उनसे, वो प्लेयर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, तो क्यों ना लोकल कोच के साथ जाया जाए, उमर गुल में कोई बुराई नहीं है। आप लोग बताएं क्या गुली भाई को आना चाहिए एज बॉलिंग कोच, फास्ट बॉलिंग कोच, या गुली भाई के अलावा कोई आपका ऐसा नाम है, या जैसे शॉन टेट पहले पाकिस्तान टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप में थे 2021 में, तो क्या शॉन टेट को आ जाना चाहिए वापस, क्या आपको लगता है कि लोकल कोचेस बेहतर होते हैं या ओवरसीज कोचेस बेहतर होते हैं, और आगे कौन से रेजिग्नेशंस आ रही हैं, क्या ग्रैंट ब्रैडबर्न और मिकी आर्थर कंटिन्यू करेंगे, एंड्रयू पिटिक कंटिन्यू करेंगे, क्या बनेगा पाकिस्तान टीम का, बहुत बहुत खतरा जो है वो लटका हुआ है, तलवार लटकी हुई है बहुत से लोगों पे, कौन से नए इस्तीफे आ रहे हैं, कौन सी रेजिग्नेशंस आ रही हैं मोने मोरकल के बाद, ये तो अब आप लोगों ने बताना, क्योंकि टीम पहुंच चुकी है अपने मुल्क वापस और अब जो है एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, देखा जाएगा किसकी कैसी परफॉर्मेंस थी, किसको क्या रेट किया जाए, और अगले 3 दिन बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसमें बहुत से फैसले होने वाले हैं, मीटिंग्स होंगी बोर्ड में, बाबर आजम से मुशावरत होंगे, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है उसमें कौन सा कोचिंग स्टाफ, कोचिंग पैनल और मैनेजमेंट जाएगी, ये भी फैसला होगा। तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, दोस्तों तक न्यूज पहुंचाएं कि मोने मोरकल फास्ट बॉलिंग कोच जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए ये।